आप सभी श्रोता बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हल्दी के गुण, फायदे एवं उसके उपयोग, इस बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। हल्दी एक बहुत आम मसाला है। इसे मसालों की रानी कहा जाता है। इसकी एक अलग तरह की पहचान है। इसकी सुगंध, अरोमा जैसी तेज स्वाद एवं गोल्डन कलर होता है। हमारे भारत देश में यह घर में मुख्य रूप से उपयोग की जाती है। बिना इसके भारतीय खाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल तत्व होते हैं। इसके अलावा इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन के, पोटेशियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम एवं जिंक प्राप्त होता है। हल्दी स्वाद के अलावा स्वास्थ्य के दृष्टि से भी बहुत अच्छी होती है। हल्दी बहुत से रोग एवं तकलीफों को दूर करती है। आइए सबसे पहले जानते हैं हल्दी में कौन से पोषक तत्व तो कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। कैलोरी 24%, फैट 1%, सोडियम 3 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 1%, फाइबर 6%, विटामिन सी 3%, कैल्शियम 1%, आयरन 16%। हल्दी के गुण एवं उसके फायदों के बारे में अब हम जानते हैं। कैंसर की बीमारी रोक देती है हल्दी। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की कुछ कोशिकाएं हमारे शरीर के विपरीत काम करने लगती हैं। हल्दी का सेवन करने से कैंसर को बढ़ाने वाली कोशिकाएं नष्ट होती हैं एवं हल्दी इन्हें बढ़ने से रोकती है। खाली पेट हल्दी खाने से शरीर के अंदर सारे विषैले पदार्थ निकल जाते हैं एवं कैंसर होने का चांस घट जाता है। गठिया रोग में आराम देती है हल्दी। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होते हैं जो शरीर में फ्री रेडिकल्स को नष्ट करती हैं, जो कि शरीर की दूसरी कोशिकाओं को प्रभावित करती हैं। रोज हल्दी खाने से गठिया के दर्द में बहुत आराम मिलता है। कोलेस्ट्रॉल कम करता है। हल्दी खाने से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत हद तक कम होती है। यह हम सबको पता है कि शरीर में अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो अन्य बहुत सी बीमारियाँ भी पीछे पीछे आ जाती हैं। हल्दी से हम इससे बच सकते हैं। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए। हल्दी में मौजूद एंटीबैक्टीरिया, एंटीफंगल तत्व शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम, फ्लू से ये हमें बचा के रखती है। इसके लिए आपको हल्दी वाला दूध पीना चाहिए। डॉक्टर भी इसे बहुत फ़ायदेमंद मानते हैं। एक गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी डालकर पीजिए, आपको लाभ होगा। ठंड के दिनों में इसे रोज रात को सोने से पहले पीना चाहिए। इससे शरीर से सर्दी तो जाएगी ही, साथ ही छोटे मोटे दर्द भी खत्म हो जाएंगे। डायबिटीज, हल्दी डायबिटीज वालों के लिए फ़ायदेमंद है। इससे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कंट्रोल में रहती है। हल्दी की कैप्सूल भी आती है जिसे डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेना चाहिए। घाव मिटाए, हल्दी कई सालों से एक एंटीसेप्टिक की तरह उपयोग हो रहा है। कहीं पर भी कटे हुए पर हल्दी लगाने से खून बंद हो जाते हैं, वह घाव जल्दी भर जाता है। स्किन में होने वाले इन्फेक्शन को हल्दी दूर करता है। वजन कंट्रोल करता है। वजन कम करने के लिए हल्दी बहुत पावरफुल है। हल्दी में मौजूद तत्व शरीर में फैट कम करते हैं। वजन कम करने की चाह रखने वालों को 1 चम्मच हल्दी अपने खाने में शामिल करनी चाहिए। पाचन सही करें। हल्दी खाने से पाचन तंत्र में कोई परेशानी नहीं आती है। इससे गैस, एसिडिटी की भी परेशानी दूर होती है। अगर किसी को गॉल ब्लैडर में कुछ परेशानी है तो उसे हल्दी का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लीवर के लिए लाभदायक। हल्दी खाने से खून साफ होता है। इससे पेट के सारे विषैले पदार्थ निकल जाते हैं। सौंदर्य बढ़ाने में कारगर। हल्दी उबटन बचपन से सुनते एवं उपयोग करते आ रहे हैं। हल्दी सौंदर्य की दृष्टि से बहुत गुणकारी होती है। इसे लगाने से दाग धब्बे दूर होते हैं, चेहरा खिल उठता है। यही वजह है कि शादी के समय हल्दी की एक अलग से रस्म होती है जिसमें दुल्हा एवं दुल्हन को हल्दी लगाई जाती है जिससे उनका चेहरा चमक उठे। हल्दी को काफ़ी शुभ भी माना जाता है। इसे हर शुभ काम, शादी विवाह, पूजा पाठ में उपयोग किया जाता है। हल्दी को बेसन दूध के साथ मिलाकर लगाने से बहुत फ़ायदा मिलता है। शरीर से अनचाहे बाल हटाए। शरीर में मौजूद अनचाहे बाल
चांद में दाग के समान है, जिसे हर लड़की अपनी सौंदर्यता का दुश्मन मानती है इस परेशानी को दूर करने के लिए हल्दी आपकी मदद करेगी। हल्दी में नारियल तेल मिलाकर गर्म करें, इसे अनचाहे बाल वाले जगह पर लगाएं। कुछ दिनों में आपको फ़र्क समझ में आने लगेगा। टैनिंग हटाए, धूप से होने वाली टैनिंग को हम हल्दी के द्वारा दूर कर सकते हैं। हल्दी को दूध में मिलाकर लगाएं, टैनिंग हटेगी एवं स्किन में निखार आएगा। दांत का दर्द दूर करें, दांत दर्द को फ्री में ठीक करने के लिए हल्दी लाभकारी है। हल्दी में सरसों तेल एवं नमक मिलाकर दर्द वाले स्थान पर लगाएं, बहुत जल्द आराम मिलेगा। हल्दी को लेने के बहुत सारे तरीके हैं। इसे आप खाने में शामिल कर सकते हैं, सलाद में शामिल कर सकते हैं, शेक के रूप में, सूप के रूप में, कैप्सूल के रूप में ले सकते हैं। हल्दी से हमें बहुत लाभ मिलते हैं, इसके बहुत से लाभ मैंने आपको अभी बताया भी। इसके अलावा इसके और भी कई फायदे होते हैं। तो हल्दी गुणकारी होती है, गुणों की खान होती है। आप अपना और अपने सेहत का ख्याल रखें और हमारे द्वारा बताए हुए हमारे चैनल पे जो भी चीज़ें आपको लगता है कि आपके लिए उपयोगी हैं उनका उपयोग करें। लेकिन हाँ, हर वक्त अपना ख्याल रखें कि जब भी कोई मेजर प्रॉब्लम हो तो घरेलू नुस्खों द्वारा वो जल्दी ठीक नहीं होता है। घरेलू नुस्खे उनके लिए होते हैं, जैसे कोई भी बीमारी हो जाए तो आपके पास टाइम है कि आप धीरे धीरे उसको रिकवर करना है, तब ये सही होती हैं। अगर आपको क्विक रिएक्शन चाहिए होता है तो उसके लिए एलोपैथी यानी कि डॉक्टर की सलाह परामर्श लेनी ज़रूरी हो जाती है। तो ये था आज का हमारा देशी नुस्खा आप सभी के लिए हल्दी के गुणों से रिलेटेड। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।